So hello ladies and gentlemen and also students and welcome back to our YouTube channel The Edutarian. और हम start करने वाले हैं एक नई series, और उस series में हम लोग क्या करेंगे, इरोडोव के जितने भी question होते हैं उनको solve करेंगे और उनको हरा देंगे, जिसकी वजह से series का क्या नाम पड़ गया, We Beat इरोडोव. अब इरोडोव को हम लोगों ने क्यों चला सॉल्व कराने के लिए, ये तो आप भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको, उनके लिए सबसे पहले 2 मिनट की शांति रखेंगे और उनको ये बता दें कि इरोडोव की जो फिजिक्स की बुक आती है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट बुक मानी जाती है, और उस हार्डेस्ट बुक का हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करके उसको हरा देंगे, उसको अपने लिए आसान बना लेंगे. तो पहला टॉपिक जो हम उठाएंगे वो काइनेमैटिक्स रहेगा. काइनेमैटिक्स का पहला क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कंप्लेन हो या कुछ भी हो, तो उसको आप कमेंट करिएगा या फिर जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे मेंशन करिएगा, आपका आभार व्यक्त किया जाएगा और आपकी सारी क्वेरी या जो भी रहेगा वो सब सॉल्व करके वीडियो दिन पर दिन इम्प्रूव किया जाएगा. और भी डेली कितनी वीडियो चाहिए ये सब भी आप बता सकते हो, उस हिसाब से हम लोग वीडियो डालते रहेंगे. और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस वीडियो को, ये पूरी सीरीज़ को आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इतनी भयंकर किताब, जो कि टीचर तो नहीं लगवाते स्कूल की, ये तो कंफर्म है, केवल जिसको जेई एडवांस में टॉप करना रहता है वही लोग लगाते हैं, या फिर जो ओलंपियाड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग लगाएंगे और बहुत ही आसानी से सारा सवाल समझते हुए ख़त्म करेंगे. तो अपने दोस्तों को तो शेयर करिएगा ही, और सबको बताइएगा कि यहाँ इरोडोव भी कराया जाता है, वो भी ऐसे. तो चलिए शुरू करते हैं काइनेमैटिक्स का पहला क्वेश्चन, उसको लगाते हैं वो भी पहली फुर्सत में. तो पहला क्वेश्चन इरोडोव का ये रहा. पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं साइड हट जाता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिए. और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें. तो पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए जल्दी से. क्या सोच रहे हैं, चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं. आई थिंक यू हैव सॉल्वड इट, और क्या आंसर है इसको कमेंट ज़रूर करिएगा, और नहीं सॉल्व किया तो आप अपने ही साथ जो भी कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है. तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है. अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट एट पॉइंट ए. अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, एक मोटर बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी नदी के बहाव के साथ चल रहा है. ओवर केम अ राफ्ट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर किसी राफ्ट को पार कर देता है, किसी पॉइंट ए पर राफ्ट को पार कर देता है. फिर टी इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर, यानी कि 60 मिनट बाद, यानी कि 1 घंटे बाद, इट टर्न बैक, वो उल्टा घूम जाता है. एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट, और थोड़ी देर बाद फिर राफ्ट को पास करता है. एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट, यानी पॉइंट ए से 6 किलोमीटर दूर किसी पॉइंट पर वापस वो उस राफ्ट को पास करता है. तो आपको इसमें करना क्या है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, नदी की बहाव की चाल निकालनी है, धारा की चाल, एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कॉन्स्टेंट, यानी कि ये मान के कि इंजन जो है वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंट स्पीड से इंजन चल रहा है. तो अगर इसका थोड़ा सा डायग्राम टाइप देखने की कोशिश करें, तो आपका एक रिवर है, इस रिवर में, इस रिवर की हम लोग वो ले लेते हैं, रिवर की वेलोसिटी एक्स ले लेते हैं. अब कह रहा है कि किसी पॉइंट ए पर मोटर बोट ओवर केम अ राफ्ट, ऐसे चल रहा है मोटर बोट, और किसी पॉइंट ए पर जो मोटर बोट है वो राफ्ट को ओवर केम कर दिया, यानी इसको पार करके इधर चला आया, मतलब इससे तेज चला, यानी इससे आगे चला आया. फिर कह रहा है कि 60 मिनट बाद, 60 मिनट लेटर, यानी कि 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, वो यहाँ से यू टर्न ले लेता है, यानी घूम जाता है. और घूमने के बाद आफ्टर सम टाइम पास्ड द डिस्टेंस एट एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी फिर पॉइंट ए से कुछ 6 किलोमीटर दूरी पर ये फिर से इस साइड आते हुए किसी पॉइंट बी पर फिर से राफ्ट को पार करके आगे बढ़ता चला जाता है. तो आपको निकालना है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी. अब यहाँ से आपका राफ्ट यहाँ से यहाँ गया, और जाहिर सी बात है इसने पहले ही बार इसको ओवरकम कर दिया,
तो इसका मतलब क्या है कि जो मोटर बोट है वो इससे तेज़ चल रही है, यानी जितनी देर में यहाँ से आएगा उतनी देर में जाहिर सी बात इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो सिंपल सी बात हुई। तो कह रहा है कि अब दोनों कंडीशन देखें, जितनी देर में यहाँ से आपका राफ्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा उतनी ही देर में तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक आया होगा। अब दोनों सेम पॉइंट पर सेम पॉइंट से चले थे और सेम टाइम पर सेम पॉइंट से चले थे और सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी कि मतलब कि दोनों ने जो टाइम लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वो तो सेम लिया। यानी कि अगर आपका मोटर बोट ने T1 टाइम लिया तो राफ्ट ने भी T1 ही टाइम लिया, अगर इसने T लिया तो इसने भी T लिया, स्मॉल टीम लेके चलते हैं। अब इसी से हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग मान लें मोटर बोट की स्पीड थी V विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि वो उसके मीटर पे जिसमें वो पहेंट रहा होगा अपना, तो उसके मीटर में उसको V दिखा रहा होगा वेलोसिटी, लेकिन अगर बाहर से देखेंगे तो दिखेगा कि ये जो वास्तव में जो इस धारा की दिशा में चल रहा है वो V प्लस X चल रहा है। क्यों V प्लस X हो गया? क्योंकि धारा इसको सपोर्ट करेगी, इसी के धारा की दिशा में चल रहा है, इस वजह से इसकी जो वेलोसिटी रहेगी इफेक्टिव जो हम लोगों को बाहर से दिखेगी V प्लस X दिखेगी। अब ये जो है V प्लस X वेलोसिटी से ऐसे जाता रहता है यहाँ तक पहुँचेगा V प्लस X वेलोसिटी से, फिर यहाँ से ये घूम जाएगा और जैसे ही घूमेगा तो देख सकते हैं धारा की विपरीत दिशा हो गई, विपरीत हो गई तो धारा अपोज करेगी यानी इसकी वेलोसिटी घटाने की कोशिश करेगी, तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी इसकी इस तरफ V माइनस X। अब हमें मालूम चल गया कि जितनी देर में ये A से B राफ्ट पहुँचेगा उतनी देर में ये A से चल के ऐसे घूम के ऐसे वापस आ कितने चलेगा, यानी दोनों का टाइम बराबर है, यानी T1 इज इक्वल टू T2। अब इसी से हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे T1 इज इक्वल टू T2 की। T2 राफ्ट ने कितनी दूरी चली, यानी कि मतलब राफ्ट यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया। अब राफ्ट की बात ना करके इस अगर यहाँ पे हम लोग नदी की बात करें, नदी ने भी तो यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लिया होगा, सेम सब कुछ चल रहा है तो सेम ही लिया होगा, स्पीड डिफरेंट होगी, इस वजह से अगर हम लोग राफ्ट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे राफ्ट की अलग स्पीड माननी पड़ेगी, फिर आपका इक्वेशन जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ईजिली लेने के लिए यहाँ पे राफ्ट की बात ना करके हम लोग रिवर की बात कर देंगे, और रिवर की बात करेंगे जितनी देर मतलब यहाँ भी वही बात है, जितनी देर में रिवर यहाँ से यहाँ आया होगा उतनी देर में रिवर का पानी जितनी देर में यहाँ से यहाँ आया होगा उतनी देर में तो ये यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से घूम के पूरा वापस चला आया होगा, तो वही बात है। तो रिवर की बात करेंगे तो रिवर को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम T2 लगा, और T2 किसके बराबर होगा, फॉर्मूला जानते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये छोटा सा फॉर्मूला है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कितनी कवर की रिवर ने, 6 किलोमीटर दिया है, 6 डिवाइडेड बाई और क्या स्पीड क्या है रिवर की स्पीड x मान के चल रहे हैं, तो x यानी कि T2 की वैल्यू कितनी है हमारी 6/x। अब बात करें हम T1 की वैल्यू की, तो टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू स्टार्ट फ्रॉम A एंड रीच द पॉइंट B, तो ये दो पार्ट में जाता है, एक पार्ट तो आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक एक घंटे में पहुँचा है धारा की दिशा में, तो यहाँ से आपको मतलब आधा मतलब थोड़ा सा काम तो यहीं पे आसान होगा कि आपको पता है कि एक घंटा चला है, उसके बाद यहाँ तक का तो आपको टाइम पता है, अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है वो निकालना है, तभी इधर का पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का टोटल टाइम इतने दूर आने के टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा, वही हम लोग करना है। यहाँ से यहाँ तक का एक घंटा दिया हुआ है 60 मिनट, अब क्या निकालना है यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है, तो कैसे निकलेगा टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का, वही फिर से फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू D/S डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड आपको पता है V कितनी है V-X है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यू टर्न लेने के बाद कितनी होगी, तो उसको निकालने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल के इतनी डिस्टेंस जो कि आपको दी हुई है 6 किलोमीटर इतनी दी हुई है, इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको इतने डिस्टेंस मालूम चल जाएगी जो आपको चाहिए, तो वही काम करेंगे हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस निकालें। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कैसी होगी, कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, और मोटर बोट की स्पीड क्या दी है वी प्लस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो डिस्टेंस इसने टोटल कवर किया होगा वो वी प्लस एक्स
और इनटू टाइम, टाइम तो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 आवर लगा, तो 1 सिंपल सा, और माइनस ये पूरे डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस घटा देंगे, इतने डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, 6 किलोमीटर दे रखी है, तो सिंपली माइनस 6, तो आपको डिस्टेंस भी मालूम चल गई क्या है, वी प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 6। अब ये आपको इक्वेशन मिल गया, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो इतना हवा वाला क्वेश्चन इरोडोव इरोडोव करके आया है पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का, वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो 6 बाई एक्स, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, वी माइनस एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी माइनस एक्स ही बचेगा, प्लस इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बचेगा, वी प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन वी माइनस एक्स। यहाँ से एक्स कट गया, अब इसी को आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 2v माइनस 6 डिवाइडेड बाई वी माइनस एक्स। अब यहाँ से देखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो वी माइनस 3 बचेगा ब्रैकेट में, 2 से 6 काटेंगे यहाँ बचेगा 3, यानी आपको आगे क्या मिल गया, 3x इज इक्वल टू वी माइनस 3 डिवाइडेड बाई वी माइनस एक्स। अब इसी को आगे ले जाएंगे तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया सिंपली इसका इसमें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो 3v माइनस 3x इज इक्वल टू xv माइनस 3x। अब माइनस 3x माइनस 3x सेम है कट जाएगा, क्या बचा फाइनली 3v इज इक्वल टू xv, और v से v कट गया, x इज इक्वल टू 3। और हम लोग सब कुछ क्या लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में लेके चल रहे हैं, टाइम आवर में लेके चल रहे हैं, तो 3 किलोमीटर पर आवर, यही आपका फाइनल आंसर था। इतना आसान सा क्वेश्चन था, बस ये बात समझनी थी ये डायग्राम वाली, कि जितनी देर में मोटर बोट मतलब जब उसको पार किया तो जाहिर सी बात है पार किया तो वो उससे ज़्यादा स्पीड रख रहा है, यानी उससे ज़्यादा डिस्टेंस लेके चलेगा, तो जैसे ही वो यहाँ से यहाँ कहीं पहुँचा उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ आया उतनी देर में ये मुड़ के वापस इधर यहाँ चला आया, यही बात समझनी है। जितनी देर में कुल मिला के बात किया, जितनी देर में ये ए से बी तक पहुँचा उतने ही देर में ये ए से चल के ऐसे घूम के बी तक चला आया, ये सिंपल सी बात है, छोटा छोटा डाटा दिया, तो उसके बाद आपको सिंपली दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया और सेम टाइम पे एक जगह पहुंचे, तो यानी टोटल टाइम जो है सेम ही रहेगा। तो t1 इज़ इक्वल टू t2 करके इक्वेशन इस तरह बना के 6 अपॉन x इज़ इक्वल टू टोटल टाइम इस साइड वाले का करके जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको लास्ट में रिवर का फ्लो का वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यही था इतना सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था क्योंकि पहली बार में स्ट्राइक नहीं करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको आप ट्राई करते रहिएगा, इसी का सोल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।